आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। शिरकुंडा शाखा भारतीय जीवन बीमा निगम के काम करने वाले बीमा कर्मचारियों व अधिकारियों को विकास अधिकारियों ने 1 अगस्त 2017 से लंबित वेतन बढ़ोतरी समझौता को अतिशीघ्र संपन्न करने, भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से रद्द करने एवं बीमा उद्योग में विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% करने के प्रस्ताव को रद्द करने, सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण न करने, उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने जैसे मुद्दे पर भारतीय जीवन बीमा निगम के संगठित संयुक्त मंच, जिसमें CI1 अधिकारियों का संगठन, LIC क्लास का एक ऑफिसर, प्रोडक्शन विकास अधिकारियों का संगठन FIFWI तथा क्लास 3rd एवं 4th कर्मचारी का संगठन AIA IA के संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश के साथ विशेष रूप से हजारीबाग मंडल अंतर्गत सारे कार्यालय में आज एक दिवसीय हड़ताल हुई है। भारतीय जीवन बीमा निगम चिरकुंडा शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। शाखा कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहा। प्रदर्शन के नेतृत्व में बीमा कर्मचारियों संघ चिरकुंडा शाखा के रामायण गुप्ता ने नेतृत्व किया, जिन्होंने बताया कि बीमा कर्मचारियों के वेतन संशोधन के सवाल पर 3.5 साल के अत्यधिक देरी पर कर्मचारियों के बीच भारी रोष पैदा हुआ है। निरसा से मलय गोप की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास 3 एसोसिएशन, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन NFIFWI और साथ में क्लास 1 फेडरेशन मिल के पूरे भारत वर्ष के पैमाने पे एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का जो मुख्य कारण है, मुख्य मुद्दा है, वो ये है कि सरकार जो IPO को LIC में लाने का प्रस्ताव रख रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ बीमा क्षेत्र में जो FDI का जो सीमा है, उसको 74% करने का प्रस्ताव लिया जा रहा है। और हमारा जो वेतन पुनरीक्षण है, वो 2017 से लंबित है। इन तीनों मुख्य मुद्दों को लेके हम लोग ये एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं।